हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमने ऑर्डर किया है एसर का 27 इंच का एलईडी फुल एचडी डिस्प्ले। इसमें लिखा है मर्क्यूरी फ्री और इसमें काफ़ी सारे नीचे आइटम्स लिखे हुए, जैसे 1920x1080 फुल एचडी रिजोल्यूशन, एएमडी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, जीरो फ्रेम, अल्ट्रा थिन। ये बेसिकली मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, ये बोल रहे हैं कि आईफोन के थिकनेस से भी पतला डिस्प्ले है ये, जो हम अभी खोल के देखेंगे अनबॉक्स करके। सो काफ़ी सारे फीचर्स है, बाकी सारे लिखे हुए ऐसे आपको मिलता है पैकिंग। और इसमें अमेजोन का टेपिंग था, सो दोनों साइड पे ऑलमोस्ट वही लिखा हुआ है। तो मैं इसको फटफट अनबॉक्स करके बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या मिलता है अपने को। सो गाइस, इस तरीके से अनबॉक्स कर लिया है इसको, जैसे जैसे खोला है। ये इसका एक बेस स्टैंड है, इसके ऊपर हमें ये एक मॉनिटर पे लगाना है, मॉनिटर के पीछे, और ऐसे इसके अंदर डालना होगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। प्लस ये अपना एडाप्टर जिसे पावर देंगे, एक मैनुअल, और एक पावर केबल मिला है इसके साथ, एक ऑक्स केबल मिला है, और ये है एक वीजीए टू वीजीए, और एक एचडीएमआई भी इन्होंने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे तो टेंशन आ गया था एक नया एचडीएमआई खरीदना पड़ेगा, क्योंकि टीवी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है एक एचडीएमआई पे। सो फटफट इसको मैं असेंबल करके लगा लेता हूँ और फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। सो गाइस, ये रहा वो डिस्प्ले, मैंने जस्ट इसको असेंबल कर दिया है। इसके नीचे वाले दो स्टैंड अलग मिलते हैं अपने को, तो मैं एक बार आपको पीछे का साइड दिखा देता हूँ। काफ़ी हल्का फुल्का डिस्प्ले है, ये काफ़ी रिस्की है मैंने जो किया है अभी, बट एनीवेज ये ऑटोमेटिकली स्लाइड इन हो जाता है। प्लस इसके नीचे एक स्क्रू है जिसको आप गोल गोल घुमा के टाइट कर सकते हैं। मैं इसको अभी आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि काफ़ी बेसिक सा है। आपको डिस्प्ले के पीछे देखने मिलता है एचडीएमआई, वीजीए और पावर। मैं अभी फटफट इसको पावर लगा दूंगा, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मेनली जो लैपटॉप पे होता है लॉक सिस्टम वैसा ही कुछ है। और यहाँ पे एक लेबल है एसर का ब्रांडिंग, और आप देखिए ये सामने से कैसा दिखता है, तो ये ऐसे दिख रहा है सामने से। प्लस मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे फ़ोन की थिकनेस और ये डिस्प्ले की थिकनेस ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, एकदम सेम, उल्टा ये डिस्प्ले काफ़ी छोटा है मेरे फ़ोन से, काफ़ी छोटा है। ये है डिस्प्ले का थिकनेस, बस नीचे के साइड, नीचे के तरफ से थोड़ा सा वेट है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ चिपसेट्स होंगे, कार्ड रीडर, जो भी रीड डिस्प्ले पोर्ट्स के लिए लगता है, ड्राइवर्स वगैरह सब। तो हम इसको अभी चालू करके देख लेंगे, ये फुल एचडी पे एक वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट कि कैसे दिखता है इस पे। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट व्यू और फर्स्ट लुक रिव्यू काफ़ी अच्छा है। एक बार प्ले करके सारा सेटिंग्स चेक करके मैं आपको वापस दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या दिखने मिलेगा। सो गाइस, हमने ये चालू कर दिया, ये दिख रहा है आपको एसर का ब्रांडिंग, और मैंने इसको एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। नीचे हम एक एचडी वीडियो प्ले करेंगे, उसने एचडीएमआई को डिटेक्ट कर लिया है ऊपर, और ये रहा, ये पूरा स्क्रीन मेरा रेप्लिकेट हो गया है। तो हम एक फटाफट एचडी वीडियो प्ले करते हैं यूट्यूब पे, 4K में या एचडी में प्ले कर देता हूँ, मैं एचडी में ही करता हूँ, और फिर देखते हैं हम कैसे व्यू आता है। सो गाइस, आप देख सकते हो इसको मैंने एचडी में कर दिया है कन्वर्ट। अब देखते हैं क्वालिटी, ये भी ऑलमोस्ट सेम है वैसे, क्योंकि 4K में स्ट्रीम कर रहा था, बट क्वालिटी ऑब्वियसली डिस्प्ले की तो सेम ही होगी, एचडी फुल एचडी। इसमें भी काफ़ी एंगल्स अच्छे मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एक बेसिक से नॉर्मल से डिस्प्ले से एक बड़े 27 इंच के डिस्प्ले पे जाने के लिए। एडवांटेज बीइंग ये मैं कोडिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, कभी गेम खेलूँगा और फिर मेरा यूजेस इतना ही है, कभी कभी एडिटिंग करता हूँ मैं वीडियोस। सो गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा था, इसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल रहा है मुझे। मेरा लैपटॉप का भी डिस्प्ले एचडी है, बट काफ़ी, क्योंकि बड़ा स्क्रीन है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, आप देख सकते हो। अल्सो बाय द वे गाइस, इसमें स्पीकर भी है, इनबिल्ट स्पीकर है, मेरा पूरा HDMI से स्ट्रीमिंग इसमें आ रहा है और इसमें से आवाज़ आ रहा है मुझे। मैं पूरा वॉइस कंट्रोल लैपटॉप से कर सकता हूँ। एंगल्स देखिए आप, सारे एंगल्स में एकदम सही। और इसका थिकनेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एकदम मेरे फ़ोन जितना ही है, उससे भी पतला है ये। और आप देखिए, काफ़ी अच्छा है। मेरा रिव्यू अभी तक का फर्स्ट व्यू एकदम सही रहा है, एकदम सही लग रहा है मुझे ये डिस्प्ले। मेरा 50 इंचेस का LG में भी इतना अच्छा मुझे क्वालिटी नहीं दिखा था, मैंने लाइव स्ट्रीम किया था उससे जियो फाइबर से। अब क्वालिटी देखिए, अभी अगर इसके रिव्यूज़ अभी तक तो अच्छे हैं, मैं इसको एडिटिंग, गेमिंग और पता नहीं कोडिंग के लिए यूज़ करूँगा। बड़ा स्क्रीन चाहिए था, 10,000-12,000 में अच्छा स्क्रीन मिल गया है मुझे। और आपके पास अगर कोई कंपनी है और आपके पास GST नंबर है, तो आप GST नंबर पे मंगा कर थोड़े से पैसे सेव कर सकते हो। ऑब्वियसली वो सेव नहीं है, बट हाँ अच्छा है, आप बाइक दिखा सकते हो। सो ये रहा क्वालिटी।
और सो गाइस ये था पूरा अपना व्यू फर्स्ट लुक पूरे डिस्प्ले का, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है और बेजल्स भी काफ़ी कम है और ब्लैक बेजल्स होने के वजह से इतना नज़र नहीं आता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ऑल्सो आप अगर 21 इंचेस के यूजर्स में हो तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस होगा, आपको ये बेजल्स का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन का साइज़ काफ़ी बड़ा है और 10,000 के प्राइस रेंज में ये एक HD डिस्प्ले काफ़ी अच्छा डिस्प्ले बन के दिख रहा है मुझे। आप देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फुल HD पे स्ट्रीम हो रहा है ये पूरा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आगे ट्राई करूँगा ऐसे कुछ वीडियोज़ के साथ आपको रिव्यूज़ देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।